ग्वालियर शहर के पॉश इलाके के चेतकपुरी में रहने वाले शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल का मकान एक महिला ने अपने साथियों की मदद से धोखाधड़ी करके हत्या लिया है। एक साल पहले हुई इस घटना की शिकायत रिटायर्ड प्रिंसिपल ने आईजी से लेकर पुलिस अधीक्षक से की, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एक अचल संपत्ति के चक्कर में उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है। दरअसल साइंस कॉलेज में रिटायर्ड डॉक्टर जीसीएन कुलश्रेष्ठ चेतकपुरी कॉलोनी में रहते हैं, जहां उनका मकान है। इसकी कीमत मौजूदा समय में 8 से 10 करोड़ के बीच है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का कहना है कि उनके यहां खाना बनाने के लिए लता नाम की एक महिला आया करती थी। एक दिन महिला अपने दो साथी के साथ डॉक्टर के घर आई और बोली कि आपको एक गवाही पर मेरे लिए दस्तक करने हैं, क्योंकि वह मकान खरीद रही है, इसीलिए उसके पंजीयन के लिए आपको गवाही देने के रूप में दस्तखत करने हैं। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हीं के मकान की रजिस्ट्री पर वह उनके हस्ताक्षर करवा रही है। बात एक परिचित ने मकान लता श्रीवास्तव ने अपने नाम करा लिया। रजिस्ट्री तो मुझको फ्रॉड के रूप में करा ली गई है, ये कहकर कि लता किसी की प्रॉपर्टी खरीद रही है, आपको गवाही पर दस्तखत करना है, जबकि मेरे ही कागज ये बना के लाई थी मकान के और उस पर दस्तखत करा लिए। मैंने इस पर पूरा विश्वास किया, क्योंकि कम से कम 15-16 साल से मैं इसके यहाँ खाना खा रहा हूँ और पूरा विश्वास करता हूँ और अपनी लड़की की तरह से मानता था। मुझको बताया भी गया है कि पंकज कुशवाहा नाम का एक आदमी लता के साथ है, जो कि मकानों की डीलिंग करता है, वो शायद, और पवन भी उसमें मिला हुआ है। ये चाहते हैं ये लोग कि इनको कैसे भी ख़त्म कर दिया जाए।